रमजान के पाक महीने का आज आखिरी जुमा यानी अलविदा है। जनपद जालौन की सभी मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा और पुरसुकून माहौल में अलविदा की नमाज अदा की गई। नमाज से पहले मस्जिदों में जकात और फितरा अदा करने की अपील की गई। साथ ही मुल्क और शहर में अमन की दुआएं भी मांगी गई। नमाज के दौरान हर मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए अलविदा की नमाज सामूहिक तौर पर नहीं हो पा रही थी। इस बार पाबंदी ना होने पर मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। इस बार राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक किसी भी नए या सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण इस बार सड़कों पर अलविदा की नमाज अदा नहीं की गई। मुफ्ती अकबर कालपी ने बताया क्या होता है अलविदा जुमा। रमजान माह के आखिरी शुक्रवार को जुम्मा तुल विदा या अलविदा जुम्मा कहते हैं। ये रमजान के विदा होने का पैगाम है। इस दिन का इस्लाम में बेहद ही खास महत्व है। मान्यता है कि रमजान के तीसरे और आखिरी अशरे में की गई इबादत रोजेदारों को जहन्नुम की आग से बचाती है। अलविदा जुम्मा है, इतने मुसलमानों के लिए पवित्र महीना माना जाता है, इतने क्या बताइए आज? ये अलविदा जो है रमजान अजमत और बरकत वाला महीना है, मगफरत का महीना है, मज़हब इस्लाम के मानने वालों के लिए खुशहाली का महीना है। इस महीने में रोज़ा रख कर के लोग अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल के मुताबिक ज़कात सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं, रात में तरावी पढ़ते हैं। इसमें ढेर सारी बरकतें हैं। ये महीना अमन और शांति का एक मीनार है। जो भी इस महीने का एहतराम करेगा वो मजहबी एतबार से ढेर सारा फ़ायदा हासिल करेगा। अलविदा की इस जुमा के दिन मैं कौम मुस्लिम की तरफ से आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन अमन शांति की मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ अमन बहाल रहे, लोग खुशहाल रहें, रमज़ान की बरकतों से सारा मुल्क मालामाल हो। अच्छा, जैसे मुफ्ती साहब, जैसे ईद करीब है, इतने क्या संदेश देंगे? इतने ईद का टाइम करीब आ रहा है, इतने ईद को लेकर क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं आपकी तरफ से? ये हमारे लिए तैयारियां, जो रोज़ा रखते हैं, जो रमज़ान में अल्लाह अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईद खुशी, ईद का नाम है खुशी, वो खुशी का दिन है। वो हमारे मजहबी एतबार से भी खुशी का दिन है और हमारे मुल्क के लिए भी खुशी का दिन है कि हम सब मुसलमान यहाँ, सब के लिए हम दुआ करते हैं कि यहाँ खुशहाली हो, अच्छाई हो, रोज़गार हो, इल्म की तरक्की पाए, लोग जहालत से हटें और यहाँ पर हर एतबार से कामयाबी कामरानी रहे। थैंक यू।